हमने कह दिया तो जस्टिफिकेशन मानस कह रहा है, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ हम लोग नाम लेके कि कोई अच्छा काम आपने तो मैं एक रिक्वेस्ट और है, अगर ये इस तरह से नहीं हो रहा है कि मतलब कि ये गाड़ियां क्रैश हो जाए, सारे लोगों को दिक्कत दूर हो जाए, तो किसी भी तरीके से आप जो कह रहे 300 मीटर ये बन गया और फिर अंडरपास बना दीजिए संभव दोनों हाईवे को क्रॉस कराएंगे हम हाईवे को यहाँ से देख रहे वही एक हल, दूसरा कोई हल नहीं, आप उसकी स्पीड नहीं कर पाएंगे हाईवे की, भाई अयोध्या हाईवे का स्पीड कम करके जो वहाँ जेबरा क्रॉसिंग इंफॉर्मेशन दे रोड की प्रोफाइल के हिसाब से हमें नहीं मिलेगा तो कहां से सर, अगर नक्शा अगर बन गया करा लीजिए आप, क्यों नहीं संभव है उसका आप पेमेंट करेंगे उनको, वो कौन सी प्रॉब्लम है, एकदम पॉसिबल है सर, वो भी ठीक है। आप बताएं सर, आप जो ये रोड को दोबारा तोड़वा रहे हैं वो कैसे बन रहा होगा, ये कैसे पॉसिबल है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रहरी मुंबई न्यूज के पंकज चौहान, आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के थाना देवगांव के अंतर्गत NHI के रोड के समझ बैठक हुई है, जिसमें SDM साहब, CRO साहब और तहसीलदार साहब सब मौजूद हैं।